हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे जल्दी से बता दीजिए गाइस, आर वी लाइव और नॉट? हेलो जी, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस, आई गेस वी आर लाइव, मुझे कंफर्म करके बता दो। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आवाज़ आ रही है तो चलिए मस्ती के साथ। ओके, यस सौरभ भैया की आवाज़ आ रही है एंड आई एम आई गेस ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन। हेलो जी, और यहाँ पे ऑडियंस राइज कर रहे हैं धीरे धीरे, डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वी आर नाउ डबल डिजिट, जल्दी से शेयर कर दीजिए लेंगे। ओके, क्लास को और शुरू करने वाले हैं। 30 MCQs करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से और देखेंगे कि भाई आप ओके। मैं आ चुका हूँ ना गाइज, जल्दी से मुझे कन्फर्म कर दो यार। ओके, मुझे अभी भी कमेंट दिख रहे हैं कि भैया जी आए नहीं हैं, आ चुके हैं तो भैया हेलो जी। ओके चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं, हमें कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं देख लेते हैं। ओके आइए देख लेते हैं जल्दी से। चलो आओ, बहुत ही बढ़िया आ चुके हैं तो ओके ठीक है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए मस्ती के साथ, क्या बोलते हो? मस्ती के साथ शुरू किया जाए एकदम बढ़िया से। चलिए आइए देखते हैं ना, देख लें क्या यहाँ पे एक सेकेंड कि भैया कौन कौन जुड़ चुके हैं, जरा सा दिखा दो भैया कौन कौन आ चुके हैं यहाँ पे। लेट अस सी। ओके 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 लेट अस सी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घुस रहे हैं, उसके शुरू करते हैं, क्या बोलते हो? एकदम बढ़िया, आ जाओ देखें जरा कौन कौन आ चुके हैं। ओके ओके जी, यस आइए जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अभी हमारे आते ही आवाज़ आने लग गई, बताओ यार। ओके अभी सही है ना, एकदम बढ़िया, चलो आओ देखते हैं। ओके चलो आ जाओ, लेट्स मैनेज लेट्स मैनेज। ओके तो आवाज आ रही है मेरी, और चलिए सवाल नंबर एक शुरू किया जाए, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सवाल नंबर एक आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, सबसे पहले जो आंसर लेगा टॉप 3 बच्चों का नाम लिया जाएगा। लेट्स सी कौन कौन शाउट आउट पे जाते हैं, कौन कौन शाउट आउट पे जाते हैं, लेट्स सी। ओके आइए क्वेश्चन नंबर वन, मैंने यहाँ लगाया क्वेश्चन नंबर वन और चलिए देखते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर वन लग चुके आपके सामने, आ जाओ देखा जाएगा सबसे पहले कौन आंसर करता है यहाँ पे। ओके क्वेश्चन नंबर वन का बहुत सारे बच्चे लोग पहले कर दिए हैं यहाँ पे। ओके मंजीत जी ने किया। ओके रविंद्र जांगिड़ जी ए लिख रहे हैं, हेलो आसिया जी। ओके क्या होना चाहिए, इसका चीट कोड याद है? तौसीफ जी, अनुपम जी दिख रहे हैं, प्रणव जी दिख रहे हैं, वेरी गुड। ओके वेरी गुड, और कौन है यहाँ पे? जगन जी दिख रहे हैं, शोएब जी दिख रहे हैं। ओके बहुत सही परफॉर्म कर रहे हो, चलो आओ देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए चीट कोड था क्या? इसके लिए सौरभ भैया क्या चीट कोड दिए हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस। और क्या सिखाया था मैंने, देखो पबजी इंडिया में बैन हो चुकी है राइट, बेसिकली ठीक है ना भाई, क्या बोलते हो राइट? तो हमने बोला तो एक्स पबजी, याद रखना पबजी नहीं बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे पबजी बोलेंगे, POBG राइट, एक्स पबजी बोलेंगे, याद रख लीजिएगा आप इसको। एकदम बढ़िया यार चीट कोड आपने लिख दिया, ओके बहुत ही सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। और रैपिडली कौन आंसर करेगा देखना चाहूंगा। ओके थोड़ा बड़ा सवाल है, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मार्क करना है इसमें, सही सही मार्किंग करनी है ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, टेक योर टाइम, एक मार्किंग देख के हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू के लिए, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर टू के लिए एक ऑप्शन देख के हो जाएगा क्या? हाँ जी एक ऑप्शन देख के हो जाएगा। ओके चलिए आइए भाई, ओके चलो देख लेंगे यहाँ पे एकदम बढ़िया सा, आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पे। ओके आइए देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अगेन करिश्मा जी, रविंद्र जांगिड़ जी, अदिति जी, प्रिंसी जी, मुस्कान जी, मिस्टर मेडिको तो मैं ही हूँ ना, तौसीफ जी, अदिति जी, और कौन है? शोएब जी, मानसी जी, उमेश जी, वेरी गुड। प्रणव जी बी बोल रहे हैं, क्या हो, हेल्प करता हूँ मैं आपके यहाँ पे। बहुत इजी सवाल था, आप देखो ध्यान से, ए नंबर वन नंबर किसकी मार्किंग है? ये तो स्पोरोपोलेनिन है, मतलब बेसिकली क्या एग्जाइन राइट है ना, तो वन वाला एग्जाइन हो जाता तो डी आ जाएगा आंसर, क्या बोलते हो? वन एग्जाइन, यहाँ पे जर्म पोर कौन सा हो जाएगा फिर? फोर वाला जर्म पोर हो जाएगा राइट, एकदम सही पकड़ा है आपने। चलो रेडी करे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पे देखते हैं कौन सबसे पहले मार्किंग करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री आ चुके हैं आपके सामने। ओके नाउ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री, आइए देख लेते हैं प्यार से एकदम जल्दी से देखिए, आइए देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का। ओके आ जाओ जल्दी जल्दी से, लेट्स सी कौन करेगा सबसे पहले आंसर।
जल्दी से कर दो भाई, कौन कौन कर रहा है यहाँ पे? बहुत पहले आंसर, सबसे पहले किसने किया? ओके आदित्य जी दिख रही हैं, 3 वाला जेनो लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ओके अनुपम जी ने किया क्या? ओके उसके बाद तौसीफ जी, सूरज जी दिख रहे हैं मुझे, शोएब जी दिख रहे हैं, ओके जांगिड़ जी दिख रहे हैं, और कौन है यहाँ पे? प्रणव जी, करिश्मा जी, प्रिंसी जी। वेरी गुड, चलो आप देखते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको याद आ रहा है मैंने कुछ, मैंने क्या, सबको पता है ये चीज वाला। अब बताओ तो सबसे पहले P1 क्या दिख रहा है? ऑटोगैमी हो रही है, एक ही फ्लावर से एक ही में जा रहा है, राइट है ना? ऑटोगैमी। P2 क्या हो रहा है? एक प्लांट है उसके दो फ्लावर है उसके बीच हो रहा है, दैट इज योर जिटोनोगैमी, राइट? और ये तो तुम्हारा जेनो हो गया, क्लियर। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने अगेन। सबसे पहले कौन आंसर देगा मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, लेट अस सी। हेलो गाइस, आइए चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या सवाल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक ओल्डेस्ट वायबल सीड फ्रॉम द आर्कटिक तुंद्रा, ओके 10,000 साल के डोरमेंसी के बाद ओके जर्मिनेट किया, बताओ। यहाँ पे दिख रहे हैं 4 का सबसे पहले कौन कौन है? तौसीफ जी दिखे मुझे, सूरज जी अगेन, करिश्मा जी, रविंद्र जांगिड़ जी, अदिति जी, प्रणव जी, अनुपम जी, शोएब जी। ओके प्रणव जी ने भी आंसर दे दिया बहुत बार, ठीक है। उसके बाद अंजलि जी, वेरी गुड, और प्रिंसी जी लिख रही है लुपिन, वेरी गुड, लुपिनस आर्कटिकस। और 2,000 साल पहले वाला कौन सा था? 2,000 ईयर अगो वाला याद है, डेट पाम वाला? यस याद आ रहा है, डेट पाम वाला। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये किया हुआ सवाल है हम लोगों का, स्पेशल क्लास में हमने ऑलरेडी करवाया था, पॉलीएम्ब्रियोनी, ओके कॉमनली आकर्षण। तो इसको मैं ऐसे ही बिना गिने दे दूंगा आंसर, सिट्रस हो जाएगा। यस सर जी, सिट्रस हो जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन, ओके यस सर जी आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मैंगो भी था ना एग्जाम्पल में, याद आ रहा है। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस पे मैं लीडर देखना चाहूंगा कौन सबसे पहले आंसर देगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आ जाओ मैं देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। आइए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किस किसने दिया। 7 लिख के देना भाई, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, राइट? 7 लिख के देना, नहीं तो फिर वो समझ नहीं आएगा मेरे को। ओके यहाँ पे प्रिंसी जी लिख रही है बाइलोब्ड, ओके करिश्मा जी ने बी लिखा, ओके और ये 7 का बताओ, 7 का क्या होना चाहिए, 7 का क्या होना चाहिए? चलिए मैं हेल्प करूं, ओके एक लोब में एक बार, हुमा जी ने बताया 7 का ए। आओ मैं अब आपकी हेल्प करता हूँ, चलो आओ हेल्प किया जाए। आइए देखते हैं, एक बात बताओ, एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं? अगर एक लोब, अगर आप बोलते हो बाई लोब्ड है और उसमें एक लोब में अगर आप 4 मार रहे हो, 4 माइक्रोस्पोरांजिया, ऐसा चलता है क्या? क्या बोलते हो बताओ? तो एक लोब में 4 होते हैं क्या? क्या होना चाहिए? एक लोब में तो 2 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं। ओके यहाँ पे अमीशा जी ने और मंजीत जी ने, सब लोगों ने अब आंसर चेंज किया और क्या बोला? ए, आंसर इज नंबर ए। यस देखो यही गलती हो जाती है हमारी, हमने देखा बाइलोब्ड, चलो वही मार देते हैं, तो ये गलत हो जाता है भाई। डाइथिकस भी बोला था, 2 थीका, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरांजिया, राइट? क्योंकि टोटल तो 4 माइक्रोस्पोरांजिया होता है, तुमको पता है बाइलोब्ड है। ओके तो एक लोब में तो 2 आना चाहिए ना, ये एग्जाम में गलती मत करना आप यहाँ पे। ओके चलो आओ आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा सवाल रेडी करें। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ही सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, व्हाट इज द रीजन भाई? ओके चलो जल्दी से बता दो, व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन? अब क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा क्या फायदा आ जाता है, जल्दी बताइएगा। मच लार्जर वेरिएशन, बेसिकली वेरिएशन, वेरिएशन ज्यादा बेटर, राइट? यही है ना, क्या बोलते हो, यही कहानी है क्या? आइए आराम से बताइएगा क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आंसर किया आपने क्या? हाँ जी किया, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया आंसर, लेट्स सी। ओके गाइस कल का हम लोगों का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में 80 लाइक्स हुए थे गाइस, कैन वी मेक दैट 100 और इसको भी 100 कर सकते हैं क्या? मैं आपको इसको टेली एंड ऑल पे शेयर कर दूंगा गाइस, आप भी सेशन को खत्म होने के बाद जरूर शेयर किया करिए, बिकॉज हम लोग टारगेट करेंगे, लेट्स टारगेट 100 लाइक्स, राइट? लेट्स टारगेट इट डाउन, मिल के टारगेट करते हैं, जैसे नीट के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं वैसे हम लोग सेशंस के लिए टारगेट करते हैं, जिससे कि बेटर होगा, तो टीम विल आस्क कि भाई और बेटर इनको सेशन दो, बच्चों को और ज़्यादा बेटर सेशन दो, राइट? चलिए इसका आंसर क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, बेटर ऑफ स्प्रिंग लिखा, न्यूअर वेराइटी हो जाएगा, क्या बोलते हो, लगा दिया जाए? एकदम बढ़िया, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, ईजी ना बोल देना भाई, ईजी ना बोल देना, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या सवाल है? ओके क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 8 है ये एक्चुअली, 8 है, मतलब मेरी गलती हो गई थी काउंटिंग में, आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए था।
और मैंने पहले वाला 8 बोल दिया था, राइट है ना, काउंटिंग में मिस्टेक हो गया था। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है इसको 8 मान के चलते हैं वापस से 8, ठीक है। आई एम रियली सॉरी जो कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो स्लाइड था ना, हम लोग आज एक्स्ट्रा स्लाइड ले आए थे सुंदर बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होना चाहिए, 8 बताओ वापस 8, चलो आओ सिखा दे रहा हूँ। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए डायोसियस प्लांट, देखो अगर डायोसियस प्लांट है तो वो प्लांट मेल या फीमेल होगा, लेकिन अगर फ्लावर के बारे में बोला है तो एक प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो सकते हैं, आपको पता है ये एग्जाम्पल्स, ये सब आपको पता है। तो अगर यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर का सिर्फ बोला है तो उसमें वो क्या करेगा, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता है बट नॉट जिटोनोगैमी, बिकॉज क्या पता ये प्लांट मोनोशियस हो, ठीक है ये चीज समझिएगा। ओके समझ आया ना ये वाला, ओके धन्यवाद अंबू जी। समझ आया या नहीं आया दोस्तों ये वाला, आप एकदम बढ़िया बताइएगा आंसर आया ये, किसको नहीं समझ आया भाई मेरे, बताना किसको नहीं समझ आया यहाँ पे, हल्का सा ये जो हुआ था क्लियर हो गया आपको। चलो आ जाओ, प्लांट में दोनों फ्लावर हो सकते हैं इसीलिए मैंने बोला, क्लियर। आइए आगे बढ़ जाते हैं एक और सवाल की तरफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रेडी स्टेडी गो, क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले कौन आंसर करेगा, आई वांट टू सी। ओके चलो इजी है ये, एकदम पानी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 रेडी कर दिया मैंने, बताओ क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले कौन आंसर कर रहे हैं यहाँ। ओके आ गया समझ गया, 9 का बी मंजीत जी ने लिखा, उसके बाद अमीषा जी ने, वेरी गुड, मानसी जी लिख रही है यहाँ पे, ओके तौसीफ जी ने लिख दिया। ओके क्वेश्चन क्या बोला गया था वो देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो मसूर अहमद जी, KPR बहुत लोग दिख रहे हैं लिख रहे हैं। चलो क्या है, एंडोस्पर्म इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस। यस सर जी, आपके पास जो सेंट्रल सेल था याद आ रहा है, सेंट्रल सेल था ना, सेंट्रल सेल वहीं से आ रहा है, निकल रहा है, राइट। ओके सेंट्रल सेल से ही निकल रही है बातें, चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलिए आओ एक और प्यार से नेक्स्ट सवाल करें क्या, चलो देखते हैं देखते हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, राइट आ जाओ चेक किया जाए नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता है, 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल क्या पूछा गया आपसे दोस्तों, 10 नंबर सवाल, विच इज ट्रू अबाउट टेपेटम, टेपेटम के बारे में बताओ, टेपेटम इनर मोस्ट लेयर था, एकदम सही आ रहा है। और वो क्या करता है भाई, वो कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, स्पोरोपोलेनिन बनाने में, ये भी सही है तो ये भी सही मार लेते हैं, क्या चाहता है, जब दो सही है तो ऑल ऑफ द अबव मारना ही पड़ेगा ना, तीसरा भी सही मानो है। देखो एग्जाम में ऐसे ही करना, मतलब दो सही मतलब ऑब्वियसली मोर देन वन ऑप्शन रहेगा या फिर ऑल ऑफ देम ही तो रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर 11 MTG का सवाल, ये वाला एक बार दिखा हुआ है और वैसे तो सब हर जगह पूछा गया है, तो ये कैसे जा रहे हैं, जो नीचे जा रहा है ये कैसे, जियो जाता है, थिग्मो जाता है, केमो जाता है, नन जाता है, केमो इज द आंसर ऑफ चॉइस। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसने मारा है यहाँ पे आंसर, लेट्स चेक इट आउट गाइस। ओके यहाँ पे सबसे पहले 11 का क्या क्या लिख रहे हैं सब, केमोट्रॉपिक बहुत सारे बच्चे लिख दिए हैं, बी नहीं होगा अनुपम जी, जैसे देखो अग्निश्वर जी ने लिखा ए, वेरी गुड, प्रिंसी जी ने डायरेक्टली केमो लिख दिया, ओके KPR जी, आफरीन जी, मनजीत जी, जगन जी, बहुत सही चल रहा है, केमोट्रॉपिक इज द आंसर ऑफ चॉइस, ठीक है केमो। देखो ट्रॉपिक टैक्टिक मूवमेंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं समझ आ रहा है मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर कहीं डाउट आ रहे हैं, रात को 12 बजे से फ्री क्लासेस होती है ना, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ, आज हम लोग का सेकेंड यूनिट है, कल थर्ड यूनिट होगा, ऐसे करके हम प्लांट फिजियो भी करेंगे, तो आपको रेगुलर क्लास में ना रात 12 बजे, मतलब समझ रहे हो, अनअकैडमी के ऐप पर दिख जाना मुझे वहां पे, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने ये बताया हुआ सवाल है, आप देखते हैं सबसे पहले किसने मारा क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बता दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले आपने मारा जा, अरे कोई नहीं बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 बता दो जल्दी से क्या होना चाहिए, लाइक एंड शेयर कर दिया तो दोस्तों ने, अरे लाइक ही नहीं किया यार, क्या हो गया, 12 का ए हो जाएगा, एकदम बढ़िया, नवाश्चन एंड गुगनार्ड याद आ रहे, गुगनार्ड एंड नवाश्चन, यस जी याद आ रहे, लिलियम फ्रिटलेरिया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों दिख रहे हैं मुझे, 12 का बी नहीं होगा, 12 का ए होगा, अमीषा जी ने बोला, सूरज जी ने बोला, अग्निश्वर जी, ए हो जाएगा उसका, ठीक है, अनुपम जी ने ये बोला, शोएब जी, वेरी गुड, आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे बढ़ा जाए। ओके क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, आई क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर। देखो ये क्वेश्चन ट्विस्ट दे दिया जाता है कभी कभी, कभी कभी आपको इनर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें आउटर से बोला आपको याद रखना सीक्वेंस। ओके 13 का अचानक से बाढ़ आ गई, सबने एक साथ बोल दिया, 13 का ए हो जाएगा, जगन जी
प्रणव जी ने 12 को बोला है, 13 को बोला? ओके, वी गॉट अनुपम जी, अमीषा जी, शोएब जी, मंजी जी, अग्निश्वर जी, ओके, आफरीन जी दिख रही हैं, ओके, बहुत ही सही। तो इसके लिए सीक्वेंस याद रखना, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, गाइनोसियम बींग द इनर मोस्ट वॉल, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। ओके, प्यारा प्यारा फ्लावर के लिए 4 एसेंशियल वॉल, दो देर आर लॉट्स ऑफ एक्सेसरी वॉल्स ओवर दैट, बट आपको मेन जो है, मेन वॉल्स आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 का? आ जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेल गैमेट ऑफ द स्पर्म्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जेनरेटिव सेल, ये इजी है, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। अब तुम पूछ सकते हो अमाइटोटिक कहाँ पे होता है? अमाइटोटिक बेसिकली प्रोकैरियोट्स ये सब में मिलता है, जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है, ऐसे अलग अलग कुछ नहीं होता। ऐसे है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे है और ऐसे डिवाइड हो गया, बस कहानी खत्म, दैट इज इट। ठीक है, और मियोटिक तो तुमको पता है प्लॉइडी चेंज हो जाती है, तो लेकिन याद है जेनरेटिव सेल की प्लॉइडी भी है, मेल गैमेट्स की भी प्लॉइडी हो जाती है, तो इसमें माइटोटिक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां नंबर सवाल, क्या है 15वां नंबर सवाल? मिलके बड़ा सवाल तो नहीं है ये, हम लोग स्पेशल क्लास में बहुत बार कराए हुए हैं ये 15वां नंबर सवाल। आइए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसके लिए, जल्दी से बता दो 15वां नंबर सवाल। सबसे पहले यहाँ पे अनुपम जी ने आंसर दे दिया, उसके बाद आफरीन जी ने आंसर दे दिया, वे गॉड जगन जी, रिया जी ने भी आंसर दिया क्या? ओके, अमीषा जी, मंसूर जी, और कौन है यहाँ पे, प्रिंसी जी, जगन जी, रिया, ओके, बहुत सारे दिख रहे, अग्निश्वर जी, ओके ओके ओके। अब आओ इसको सीखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, आओ देखें। बेसिकली एंजियोस्पर्म मेल प्लांट इज डिप्लॉइड, मेल डिप्लॉइड है, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ मेल डिप्लॉइड, ठीक है, और क्या लिखा है, फीमेल इज टेट्राप्लॉइड, 4N लिख दूँ क्या एक बार? चलो, उसके बाद पूछा गया द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में जो सेंट्रल सेल होता है वो एग्जैक्टली जो फीमेल का प्लॉइडी रहता है वही उतर जाता है सोमाटिक सेल वाले ही, तो 4N का 4N ही रहा, मेल से गैमेट आएगा तो वो हाफ हो जाता है, तो N आ गया, N प्लस 4N, 5N आ गया, पेंटाप्लॉइड, आंसर लगा? ओके, चलो वेरी गुड, आंसर लगा दिया सबने यहाँ पे, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं एक और सवाल की तरफ। दोस्तों अगर समझ आ रहा है तो जरूर लाइक का बटन को क्लिक करिएगा, बिकॉज एवरी लाइक मैटर्स, एवरी लाइक, छोटा देखो बोलते हैं ना लाइक मैटर्स, तो लाइक रियली मैटर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 रेडी हो जाए क्या? 16वां नंबर सवाल, आओ देखते हैं 16वां नंबर सवाल, क्या सवाल है? द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट, सबसे बाहर और सबसे अंदर कौन होगा? आओ कमेंट कमेंट सेक्शन पे पहुंचा जाए, सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है यहाँ पे, आउटर मोस्ट इनर मोस्ट वॉल, एकदम बढ़िया, अग्नि जी, विकॉट, और कौन है यहाँ पे, रिया जी, वेरी गुड, अनुपम जी, आफरीन जी, मनजीत जी, ओके डर्मिस, ओके वेरी गुड, एपिडर्मिस हो जाएगा, यस सर जी, एपिडर्मिस और टेपेटम, वेरी गुड। आओ आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्या सवाल है 17वां नंबर, आइए मार्क कर देता हूँ यहाँ पे पहले, आप बताओ 17वां, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स, मियोसिस कब होता है, मियोसिस, ओके, ये किस में होता है, किस में होता है, तो जिसकी प्लॉइडी 2N है और जो जाके बनाएगा आगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, टेट्राड के अंदर ना, पोलन ग्रेन के अंदर ना, एंडोथीसियम कुछ काम करेगा ना, बेचारा वो क्या काम कर रहा है, वो तो अपना काम काम कर रहा है, प्रोटेक्शन डेहिसेंस एंड ऑल में जा रहा है, तो आंसर ऑफ चॉइस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी 2N है, इसके अंदर मियोसिस होगा और ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, राइट। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, अब 18वां नंबर पे हम लोग देखेंगे कौन सबसे पहले आंसर मार रहा है, आइए 18वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, 18th और 19th नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18th तो क्वाइट ईजी है बट 19th बहुत सही है, चलो आप देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है यहाँ पे, आइए देखें जरा, डन हो गया यहाँ पे, क्या बोलते हो गया, चलो देखा जाए, 18 का ए, आफरीन जी ने लिखा, मंजीत जी, और कौन है यहाँ पे, बहुत सारे लोग, अग्नि जी ने लिखा, प्रिंसी जी, 16 नहीं क्यों, 18 का बताइए, ओके ओके आपने डायरेक्टली उसका आंसर बताया क्या, ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारे, अनुज जी, ये सब सब दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओके आसमा जी दिख रही हैं, ओके रिया जी, वेरी गुड, आओ हेल्प करेंगे आपके यहाँ पे, और एक और मिस्टर दास भी दिखे हैं क्या मेरे को, टुपुर दास जी दिखे हैं, बहुत दिनों बाद क्लास में मुझे दिखे हैं, आइए देखते हैं, सोमाटिक सेल देर आर 16 क्रोमोजोम, सोमाटिक सेल की प्लॉइडी कितनी होती है, 2N होती है, अरे भैया फिर तो कहानी खत्म हो गई, और क्या पूछा, पोलन मदर सेल की प्लॉइडी 2N होती है, दैट इज इट, कहानी खत्म, चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 करें क्या, आइए 19वां नंबर सवाल, ये मस्त है, ये मस्त सवाल है,
इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा, मेरे को ये देखना है इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे पहले आंसर कौन देगा। आ गया क्या? मैं देखता हूँ यहाँ पे आप लोग में से कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है, चेक तो करना चाहिए कम से कम कि भाई यार हमने सबसे पहले आंसर दिया। आओ जरा देखें तुमने किसने आंसर दिया सबसे पहले। ओके 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 करते जाओ भाई। कर दिया? नहीं किया यार, तो मेरे को दिख रहे हैं आज जी, दिख रहे हैं एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। 19 का सबसे पहले किसने लिखा, आओ चेक करते हैं। ओके शोएब जी दिख रहे हैं मेरे को, अग्नि जी, वेरी गुड, मनजीत जी, और कौन है, अनुपम जी, रिया जी, प्रिंसी जी। भाई देख एक से हो जाता, सीधी बात है एक से हो जाता, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, तुम कुछ भी उठा लो हो जाएगा। हैप्लॉयड तुमको 14 बोल दिया गया है, अब तुमको पता है अगर इंटेगुमेंट मान लो, नहीं पता सौरभ भैया क्या करें, न्यूसेलस पता था, न्यूसेलस की प्लॉयडी 2n होती है पता है ना, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस पेरिस्पर्म बनाता है, यस यहाँ से याद आ गया। ओके तो 2n देखा भाई, 28 होगा, ये भी 28, 2n ही होता है लिख लीजिएगा, तो आंसर आ गया नंबर सी। चलो लेट्स गेट फॉर 20th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये इजी है, इसमें मैं नहीं देखने वाला। ओके चलो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक क्या हो जाएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगा, यस वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या सवाल है, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द ओव्यूल, ओके एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट, 21वां सबसे पहले कौन दे रहा है, आई वांट टू सी 21वां नंबर सवाल का आंसर कौन सबसे पहले दे रहा है 21st का। लेट्स सी 21st का बताओ, मैंने 20th का देखना ही नहीं है, मेरे को 21st का बताओ। ओके 21st का कौन दिया, अमीशा जी ने दिखाया मेरे को, उसके बाद आफरीन जी, आसमा जी डी बोल रही हैं, ओके प्रिंसी जी मेसो बोल दिया, वेरी गुड। आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कमेंट्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर, आओ पिक करते हैं सही आंसर क्या होगा। तो भाई याद रखिएगा अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किया पोरोगैमी, चलाजल एंड से चलाजोगैमी और मेसोगैमी थ्रू द इंटेगुमेंट्स, ठीक है। ओके आइसो अलग कॉन्सेप्ट, आइसो तो आपको पता है सेम वाला कहानी आता है सिमिलर। चलो और नेक्स्ट सवाल करें, आइए एक और प्यारा सा सवाल। नाउ दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म का टाइप्स, एंडोस्पर्म टाइप्स का करेक्ट ऑर्डर जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके आप मुझे बताओ तब तो मैं आपको देखूँ कि भाई आंसर कैसे कर रहे हैं। ओके ठीक है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं आपके लिए, बहुत ही बढ़िया हो गया क्या, आइए देखते हैं, बहुत ईजी है भाई, आराम से एकदम बढ़िया आंसर निकलेगा क्या, यस सर जी एकदम बढ़िया आंसर निकलेगा। चलो जल्दी से बता दीजिए, आई गेस आपका आंसर आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। गाइज अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको बायोलॉजी कमजोर है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में आइडिया ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है लिखना है, गूगल या यूट्यूब पे जाना है लिखना है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिस्टर मेडिको, दैट इज इट, MR मेडिको लिख दीजिए बस, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिस्टर मेडिको लिखिए भाई, आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा मिस्टर मेडिको वाला, ठीक है उसमें, या फिर आप खाली टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी लिखोगे ना एक वीडियो आ जाएगी मिस्टर मेडिको का, 5,000 के अराउंड व्यूज भी है, 5-6 हज़ार, उसमें मैंने आपको तीनों टाइप के एंडोस्पर्म समझाया विद एग्जाम्पल, दैट इज इट, आप जरूर जाके देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही बढ़िया एकदम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, मतलब लिखा हुआ स्लाइड बोलते हैं ना जो बढ़िया बनाया हुआ, एकदम बढ़िया लिखा हुआ, आप उसको देख लीजिएगा ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे एग्जाम्स के बाद आपके लिए बायोलॉजी के लिए कुछ और बढ़िया बिल्डअप करने का, जिससे कि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आराम से, उसमें 300 से ऊपर लाइक्स भी है बच्चों के, मतलब 400 अराउंड लाइक्स पकड़ लो ठीक है, तो आप भी गाइज लाइक वाइक क्या करो, तब तो मजा आएगा देखने में। चलो आओ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये बेचारा फ्री सेलुलर है क्या, ओके और ये सेलुलर है क्या बेचारा, ये फ्री न्यूक्लियर बोलेंगे, सेलुलर कैसे बोल देंगे सौरभ भैया, फ्री न्यूक्लियर बोल देते हैं इसको क्या, सही है तो, और फिर ये वाला ये बोलते हैं आधा आधा, हम बोलते हैं ये बोलते हैं आधा आधा है, हम सब में नहीं बट रहे हैं, तो ये हिलोबियल हो जाएगा क्या, क्या बोलते हो, आंसर आया, लेट्स सी भाई किसने सबसे पहले आंसर किया था इसका, आइए देखते हैं। ओके लेट अस चेक, ओके बहुत ही सही भाई, बहुत लोगों ने आंसर किया जिसका ना, ओके चलो आप डन करते हैं, जिसका नाम नहीं लिया वो डोंट लाइक एंड शेयर, जा ऐसे है क्या, अरे लाइक शेयर करोगे तब तो पता चलेगा कि तुम लाइक शेयर कर रहे हो, तब भगवान जी बोलेंगे देखो इसका नाम लो तुम जल्दी, और तुम लोग पता तो चले कि हाँ जी लाइक शेयर किया, बताते जाओ मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, आइए 23। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पोरो पोलेनिन इज गलत, यहाँ पे गलत क्या, आ जाओ देख लेते हैं जल्दी से करिए भाई। ओके इसमें क्या गलत लग रहा है आपको स्पोरो पोलेनिन के लिए, आ जाओ जल्दी से बता दो मुझे, हो गया स्पोरोपोलेनिन भाई लिख लेना क्या हो जाएगा, जहां पे क्या हो गया
भाई वो जो तुम्हारा जो छेद है जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, वहां पे इंटाइन प्रेजेंट होता है बट एक्जाइन एब्सेंट होता है, प्लीज राइट दैट डाउन। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, प्लीज राइट दैट डाउन, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 24? एकदम डायोसियस को सिलेक्ट करना है, डायोसियस को सिलेक्ट करो तो 24 वाला। ओके सृष्टि जी जल्दी से कर दीजिए, तो 24 को सिलेक्ट, डायोसियस जी को एकदम बढ़िया से आइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24, सारे का आंसर सी निकल रहे हैं क्या? 24 का ए दिख गया क्या? आइए देखते हैं, एक सेकेंड, 24 का सबसे पहले किसने आंसर किया? ओके कमेंट्स आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, अमीशा जी, ओके जगन जी, शुभम जी, वेरी गुड, और कौन है, प्रिंसी जी, विग और शोएब जी, ओके ओके ओके, अनुपम जी, रिया जी, टुपुर जी, बहुत ही बढ़िया भाई, लाइक कर देंगे क्या? ओके चलो, क्या चाहिए लेकिन यहाँ भी शर्तें लागू। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा बोथ ऑटोगैमी जीटोनोगैमी डायोशियस प्लांट में क्या हो जाएगा, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक और बड़ा सवाल, बेहतरीन सवाल, ये हम लोग ऑलरेडी स्पेशल क्लासेस में करवाए हैं, ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं स्पेशली कि आप कैसे आंसर करते हो, मेरे को वो देखना है। ठीक है आइए बताइए क्या होगा आंसर। हेक्साप्लॉइड प्लांट गेट्स पॉलिनेटेड बाई ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड प्लांट पॉलिनेटेड बाई, ठीक है बाई बोला है तो ऑक्टाप्लॉइड क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, हाँ जी एकदम सही पकड़ा, और हेक्साप्लॉइड फीमेल हो जाएगा, एकदम बढ़िया। एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, एम्ब्रायो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का हाफ करना पड़ेगा, 6n का हाफ 3n किया और इसका हाफ किया कितना हो जाएगा, 4n किया गया, क्या बोलते हो, किया ना, 8 का 4 किया, 3 + 4 7 हो गया, जा भैया एक से आ गया आंसर, ये तो एक से देख के हो गया, हुआ या नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, यहाँ पे 25 का सी सब लोगों ने भर दिया, बहुत ही सही। चलो ये जो सवाल है ना एक नंबर सवाल है, मतलब प्रैक्टिस करो ऐसे सवाल को करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अब आइए इसको खत्म करते हैं, अब थोड़ा सा और है। एश्योर्ड सीड सेट किस में होगा, क्लिस्टोगैमस हो जाएगा, कॉमेलिना ऑक्सिलिस वियोला, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 नंबर सवाल, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल पोलन ग्रेन। अब याद करो, एक मियोटिक डिविजन से चार पोलन बन रहे थे तो 25 लगेगा तेरे लिए, और 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए 100 मियोटिक डिविजन लगेंगे, क्लियर है, तो 25 100 वाला मार दें, एकदम बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या सवाल है, डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन, अभी और नाम चाहिए ना, लीडर बोर्ड पे आना है शाम 6 बजे, एनटी अभ्यास का बायोलॉजी वाला जो टेस्ट है वो होगा अन अकेडमी के ऐप पर, दैट इज टोटली फ्री। अगर आप पहली बार अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो सर्च मारिए सौरभ शर्मा और हम वहां पे प्रकट हो जाएंगे, फॉलो बटन क्लिक करिएगा, स्पेशल क्लास में शाम 6 बजे आ जाइएगा, और उसमें अगर पूछा जाए इनवाइट कोड, क्या करें इस इनवाइट कोड का, सौरभ लाइव लगा दीजिएगा, जहां देखो लगाओ सौरभ लाइव, दैट इज इट। ठीक है आंसर आ जाएगा 25 से 50 हो जाएगा, ओके चलिए 25 से 50 होगा, नॉट 20 से, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या सवाल है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज हो जाएगा, याद आ रहा है, 2 सेल्ड हो जाएगा ना, पार्टली इन सीटू, ओके याद आ रहा है, ओके यस सर जी याद आ रहा है, 2 सेल स्टेज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एक और प्यारा सा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 30 है यही है ना, आइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। ओके इजी बन गया, इजी 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 एकदम इजी बन गया, जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, बहुत इजी सवाल बन गया दोस्तों के लिए यहाँ पे, आइए बताइए आंसर आ गया। द एबिलिटी, ये डायलॉग चलता रहता है, डायलॉग बाजी चलती रहती है, लिख लीजिएगा, ठीक है ओके। बाई एक्सेप्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पोलन ओके एंड द पिस्टल, बात करती है, बातचीत चलती है, राइट याद रहेगा, ओके मजा आएगा इस आपके साथ इंटरेक्शन करके, मजा किया हम लोग दोनों ने, राइट। तो चलिए मिलते हैं रात को 6 बजे भी मिलेंगे अभी शाम को, ठीक है, रात 9 बजे भी मिलेंगे और रात 12 बजे भी मिलेंगे, आज 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 2nd of April, 3rd of April और 4th of April, तीनों दिन मैं ये 3 टाइम क्लास ले रहा हूँ गाइज, यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर, और मस्ती फुल करते हैं हम लोग वहाँ पे, चलो जाओ बाय, सी या।